नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा, वेलकम टू लॉ चौपाटी। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट को, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज से कि ये किस तरह का एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट ये है आपका एग्जॉस्टिव एक्ट, ठीक है। ये कहाँ से पता चलता है आपको, यहाँ पे ये एक वर्ड देखिए, ठीक है, वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसॉलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ, ठीक है। अपनी बेयर एक्ट साथ में लेके बैठिए, आपके लिए इजी रहेगा और स्पीड से कवर कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, एग्जॉस्टिव लॉ है और प्रोसीजरल है। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव लॉ है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें से गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पार्ट वन, क्या बात करता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, जिसमें चैप्टर वन बात करता है प्रिलिमिनरी की, ठीक है। प्रिलिमिनरी में सेक्शन वन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, इसमें अब एक नया क्वेश्चन बन सकता है क्या, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पहले होता था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ J&K, ये मेरी पुरानी बेयर एक्ट है, ठीक है। तो अब J&K नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हिसाब से अमेंडमेंट जो हुई है, तो उसमें अब जो ये एप्लीकेबिलिटी है बहुत सारे एक्ट्स की, वो J&K पे भी होगी, मतलब कि होल ऑफ इंडिया, ठीक है, अब एक्सेप्शन नहीं रहा J&K, सही है। ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा हो सकता है इसमें कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और बिफोर एनी कोर्ट। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है क्या, कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल होता है, लेकिन अदर देन कोर्ट मार्शल कन्वेंड अंडर द आर्मी एक्ट, जो आर्मी एक्ट के अंदर जो कोर्ट मार्शल है, ठीक है, उसमें उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेवल डिसिप्लिन पे नहीं होगा, इंडियन नेवी पे नहीं होगा, ठीक है, और किस पे नहीं होगा, एफिडेविट पे नहीं होगा। तो ये तीन चार चीज़ें टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फोर्स में कब आया है, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, ये बच्चों। अब आ जाते हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे, सेक्शन थ्री क्या बात करता है, सेक्शन थ्री। तो कोर्ट में क्या आता है आपका, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, ठीक, बस इतना याद रखिए। आ जाते हैं फैक्ट पे, ठीक है, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स क्या क्या, एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, ठीक है, थिंग स्टेट तो है, रिलेशन ऑफ थिंग भी फैक्ट में आ जाता है, ठीक है। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ये भी फैक्ट्स में आ जाता है आपका। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, तो ये भी फैक्ट्स में आ जाता है, मेंटल कंडीशन, ये वर्ड याद रखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बारी। फैक्ट क्या हो गया, जैसे आपने कुछ सुना, देखा, ठीक है, स्मेल किया, ये सब का सब फैक्ट में आ गया, कुछ फील किया, मेंटल कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन उसी बेस्ड पे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रेलेवेंट। अब रेलेवेंट क्या होता है, वन फैक्ट इज सेट टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर, ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से दूसरे फैक्ट से अगर कुछ कनेक्शन दिख रहा है, कड़ी दिख रही है कुछ, ठीक है, तो वो भी रेलेवेंट, वो आता है रेलेवेंट की कैटेगरी में। मतलब फैक्ट्स इन इशू क्या होता है भाई, द एक्सप्रेशन फैक्ट्स इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन, ठीक है, मतलब डायरेक्टली या फिर कनेक्शन में है अदर फैक्ट्स के साथ, क्या चीज़, द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ, किस चीज़ का नेचर और एक्सटेंट है, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से MCQs, इस सिर्फ लाइन में से MCQs बन जाते हैं, ठीक है, और असर्टेड और डिनाइड, ठीक है, मतलब फैक्ट्स इन इशू सिर्फ वो नहीं हो गए कि मतलब जिस चीज़ को मना किया जा रहा, मतलब डिस्प्यूटेड है, मतलब एक पार्टी कह रही है, असर्ट कर रही है कि नहीं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, दूसरी पार्टी डिनाइल कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्ट्स इन इशू, कि ये जो चीज़ है ना फैक्ट्स इन इशू, ये कहाँ और एग्जिस्ट करती है, ये CPC में भी एग्जिस्ट करती है। क्या है, ए इज अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए को अक्यूज किया गया बी के मर्डर के लिए, एट दिस ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स मे बी इन इशू, क्या क्या इशू में हो सकता है, दैट ए कॉस्ट बी इज डेथ, कि मतलब भाई ए ने बी का खून कर दिया है, ठीक है, ए इंटेंडेड टू कॉस्ट, मतलब उसकी इंटेंशन भी थी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक मेंटल स्टेटस हो गया, उसकी मोटिव हो गया उसका। ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, कि उस टाइम देखिए उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, ठीक है, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट विच कॉज्ड बीज डेथ वॉज बाई रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाई मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, ठीक है, किसी चीज़ का निशान है, फिगर है, लेटर है, ये सबका डॉक्यूमेंट में आ जाता है, ठीक है। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, मतलब एविडेंस के दौरान जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, तो वो हो गया डॉक्यूमेंट। राइटिंग में जो है कुछ भी, वो भी डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड है डॉक्यूमेंट है, लिथोग्राफ्ट है वो भी डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ्ट है वो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं
इसके और एग्जांपल्स हैं कि मैप और प्लान जो है ये भी डॉक्यूमेंट होता है, एन इंस्क्रिप्शन और ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज़ अ डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन पे, एविडेंस। ये एविडेंस का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, ओरल और ये रिटन की बात कर रहा है सिंपल लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज। बाकी इसके बारे में पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाई विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं ओरल एविडेंस। कौन देता है, मेड बिफोर इट मतलब कोर्ट के सामने विटनेसेस किसी तरह के अगर स्टेटमेंट बोलते हैं, देते हैं। ठीक है, और वो रिलेशन में, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, तो फिर वो किस में आ जाते हैं आपके, वो ओरल एविडेंस में आ जाते हैं, और उसकी बहुत बड़ी मान्यता है आपकी एविडेंस एक्ट में। सेकेंड बात करता है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ई डॉक्यूमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं, तो वो भी जो होते हैं आपके किस में आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में कवर होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्रूफ्ड, डिसप्रूफ्ड, नॉट प्रूफ्ड। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार किसी को। देखिए, प्रूफ से इसका सिंपल तरीका है याद करने का, प्रूफ मतलब यहाँ पे याद रखिए एक वर्ड एग्जिस्ट, मतलब यह नॉट एग्जिस्टिंग का कुछ भी आया ना तो मतलब इसमें नहीं आएगा। ठीक है, डिसप्रूव्ड में नॉन एग्जिस्टिंग आएगा तो डिसप्रूव्ड। अब ये कैसे, देखिए, अ फैक्ट इज सेट टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ, डिसप्रूव्ड हो गया। फैक्ट इज सेट टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स द कोर्ट आइदर बिलीव्स, देखिए क्या आ गया यहाँ पे आया था एग्जिस्ट, यहाँ आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे considers its existence, यहाँ क्या आ गया, considers its non-existence। ठीक है, उसके बाद आता है टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ क्या था एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हो गया आपका प्रूफ, डिसप्रूव्ड। अब नॉट प्रूव्ड मतलब क्या हो गया, नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव्ड मतलब जो इन दोनों में नहीं आया। ठीक है, नॉट प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, तो वो नॉट प्रूव्ड में होता है। ठीक है, सेक्शन 4 बात करता है प्रिजम्पशन के रिलेटेड, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, मे प्रिज्यूम मतलब कि कोर्ट की एक तरीके से इसमें डिस्क्रिशन होगी जिस मैटर में। ठीक है, तो वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट द कोर्ट मे प्रिज्यूम, ठीक है, मतलब डिस्क्रिशन, मे मतलब डिस्क्रिशन हो गई, अ फैक्ट इट शैल आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मे प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम हो गया वेन एवर इट इज डायरेक्टेड, ठीक है, यहाँ देखिए आया था प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, यहाँ पे डायरेक्टेड मतलब अगर एक्ट डायरेक्शन दे रहा है किसी तरीके का। ठीक है, डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। ठीक है, कि मतलब जब तक वो फैक्ट डिसप्रूव नहीं हुआ है तो कोर्ट उसको क्या करेगी, कोर्ट उसको कंसिडर करेगी, रिगार्ड करेगी एज अ प्रूव्ड। ठीक है, तो वो हो गया। और ये जो है शैल प्रिज्यूम मतलब इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड, देखिए ये तीन वर्ड याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड, ठीक है, यहाँ पे है डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्शन दे रहा है लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या, डिक्लेयर मतलब डिक्लेरेशन हो गया है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कब, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ, शैल मतलब समझ रहे हैं ना कि कोर्ट पे एक शैल हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट कर दे रहा है, ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे लेजिटिमेसी का सेक्शन 112 जो बात करता है कि अगर ऐसा प्रूफ हो पाता है, अगर पार्टी कर दे रही है तो फिर वो रिबट नहीं हो पाएगा किसी तरीके से, उसको माना जाएगा क्या, कंक्लूसिव प्रूफ, है ना, मतलब कि उसमें फर्दर एविडेंस जो है कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, अब मे प्रिज्यूम के लिए एक टर्म है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए क्या है, प्रिजम्प्शियो होमिनिस। ठीक है, होमिनिस ये याद रखना है इसमें। ठीक है, उसके बाद अब हमने बात कर ली कि क्या है, ये दोनों रिबटेबल है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, प्रिजम्प्शन ऑफ फैक्ट कहते हैं। ठीक है, मे प्रिज्यूम को ये नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।